लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने नवीबई सीट को जून की इमारतों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अधिसूचना जारी की है। नए जीआर में अतिरिक्त मुआवजे के कारण ओसी और कन्विंस स्ट्रीट के लिए अधर में लटकी हजारों इमारतों और लाखों मकानों के हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के पनवेल सह जिला प्रमुख रामदास शेवाले, पदाधिकारी मंगेश रनावड़े और एडवोकेट प्रथमेश सुमन ने इसे जनहितैषी फैसला बताया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार जताया। देखिए रिपोर्ट। तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का हम अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ही सामान्य जन जो है हमारे महाराष्ट्र के, उनके बारे में सोचने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी सरकार की अप्रोच भी वैसी रही है और उसी के अंतर्गत ये जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के अधीन अभी ऐसा होगा कि जो मावेजा करके हमारे सिडको एरियाज में जितने भी प्रकरण होते थे, जो सिडको के साथ हमारा झगड़ा था, कभी कभी कुछ मैटर्स कोर्ट तक पहुंच जाते थे, सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे, तो ये जो मावेजा के पेंडिंग लिटिगेशंस थे, वो पेंडिंग लिटिगेशंस की वजह से मावेजा का पेंडिंग लिटिगेशन जिस प्लॉट के बारे में है, जिस जमीन के बारे में है, जिस प्लॉट के शेतकरी ने वो एक केस किया हुआ है, सिडको से अपना झगड़ा चालू है, वहाँ पे बनी हुई बिल्डिंग्स, इमारतें, उसमें रहने वाले लोग, उनको वहाँ का लीगल ओनर का स्टेटस नहीं मिलता था, यानी कि उनका कन्वेंस डीड नहीं होता था। जो बिल्डिंग जिस प्लॉट पे खड़ी रहती है, वो बिल्डिंग के नीचे का प्लॉट का ओनरशिप भी वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलना अनिवार्य, ये लॉ है, आप सबको मालूम है। लेकिन वो कन्वेंस डीड मिलने में बहुत तकलीफें आती थी। उसके साथ साथ आज तक कई सारे बिल्डिंग को ओसी भी नहीं मिली। बिल्डिंग बनी हुई है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन 10-10, 12-12, 15-15 साल हुए, सिडको की तरफ से उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आज तक उनको नहीं मिला है। इसीलिए यहाँ के रहने वाले लाखों लोगों की ये जो तकलीफ थी, वो शिंदे साहब ने हमेशा के लिए दूर कर दी है। अभी मावेजा यानी कि जो जमीन है, जो जमीन है यहाँ की, जो फार्मर्स की तब सिडको ने अधिग्रहित की थी, एक्विज की थी, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार जो उन्होंने एक्विजिशन की हुई लैंड है, उसका जो अधिकतम मूल्य होता है, उसका जो अधिकतम मुआवजा होता है, वो अधिकतम मुआवजा शेतकरी को मिले, सारे फार्मर्स को मिले, इसीलिए उन्होंने सिडको में या कोर्ट में अलग अलग जगह पे वो मुआवजे के लिए केसेस की है। जब तक वो मुआवजा उनको नहीं मिलता, तब तक ये इशू चलता था, उसको मावेजा कहते हैं। तो ये मावेजा जब तक वो फार्मर को नहीं मिलता, तब तक वो प्लॉट पे खड़ी हुई बिल्डिंग को, वो जो कन्वेंस और ओसी का इशू था, वो पेंडिंग था। अभी उन्होंने क्या किया है कि मावेजा पेंडिंग है, इसका मतलब वो प्लॉट पे जो बिल्डिंग है, उसमें रहने वाले लोगों के नाम पे, वो सोसाइटी के नाम पे, वो प्लॉट का कन्वेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी 100% कन्वेंस होने का जो रास्ता है, वो पूरी तरह से खुल चुका है। उसके साथ साथ जो जो बिल्डिंग की ओसी पेंडिंग थी, वो सारी बिल्डिंग की ओसी भी अभी सिडको को देना बंधनकारक है, यानी कोई भी चीज़, कोई भी मैटर मावेजा की वजह से पेंडिंग है और इसीलिए उसको नहीं मिलेगी, अब ये होने से नहीं। मावेजा का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, फिर वो बिल्डर को हो या सिडको को हो, वो भी जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में आपस में हुआ है ना, उसके ऊपर डिपेंड है। वो मावेजा का शेतकरी का नुकसान इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, फार्मर का नुकसान नहीं होगा, उसको 100% मावेजा जो है उसका मिलेगा जब वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब तक उसका रिकवरी नहीं होता, वो रिकवरी के लिए जो बाकी सारी प्रक्रिया रोकी जाती थी, अब वो रोकी नहीं जाएगी। मतलब इसमें शेतकरी का भी फायदा है, आज नहीं तो कल उनको मावेजा मिलना ही है। उसका जो रिकवरी का सिस्टम है, वो उसको 100% इंडिपेंडेंट करके ओसी और कन्वेंस, ये चीज़ें अभी पूरी तरह से हैजल फ्री, उसमें अभी कोई तकलीफ नहीं आएगी और सारे लोग, सारी सोसाइटीज, हजारों सोसाइटीज, खारगर हो, कामोटा हो, तलोजा हो, नवीन पनवेल हो, जो पेंडिंग थी, वो अब 100% उनका काम हो जाएगा और ये निर्णय एक जनहितार्थ है, या वह निर्णय है, या फिर से सिद्ध हो गया। अगर किसी को हैंडओवर करने हैं या फिर उसका हस्तांतरण करना है, तो ये जो सारी प्रक्रिया थी ना, कि जैसे आज सिडको में रहने वाला एक आदमी है, और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं मावेजा में प्रलंबित एक प्रकरण है, वो प्रकरण के
अंतर्गत जो प्लॉट है उस प्लॉट पे बनी हुई बिल्डिंग है और मैं उसमें रहना हूँ पिछले 10 सालों से। अब यही फ्लैट मुझे इनको बेचना है और उनको जो सिडको से जो ट्रांसफर लेना पड़ता था सिडको वो नहीं दे रही थी, जस्ट बिकॉज वो जो बिल्डिंग जिस प्लॉट पे खड़ी है उस प्लॉट के मावेजा के लिए वो प्रकरण सिडको के सामने आज भी पेंडिंग है या फिर किसी कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक, क्योंकि मावेजा का मतलब मैंने क्या आपको बताया, एडिशनल मुआवजा, वो मुआवजा जब तक नहीं मिलता मतलब वो प्लॉट क्लियर नहीं है। तो जब तक उसके ऊपर ड्यूज है तब तक उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन हस्तांतरण उसका जो भी ट्रांसफर है उसको वो सिडको रोक देती थी। अभी उसका भी रास्ता जो है वो खुल गया है। खारगर हो, कलमबुली हो, कामोटे हो, जहाँ पे सिडको के प्लॉट्स है और जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारत है जो बंधी हुई है, पिछले 20 साल से ऐसे हजारों सोसाइटीज़ हैं जो इस मावेजा के कारण त्रस्त है। मैं जब जॉइंट रजिस्ट्रार को मिलता हूँ, सोसाइटी के जॉइंट रजिस्ट्रार को, और जब बोलता हूँ कि आप उनका कन्वेंस क्यों नहीं कर रहे हो या उनका अभी हस्तांतरण क्यों नहीं हो रहा है, तो एक ही बोलता है कि हमारी तरफ से तब निकल गया लेकिन वो सिडको की तरफ से अभी तक उनको क्लियरेंस नहीं मिला है। और जब सिडको को पूछा जाता है कि आपने इनको अभी तक क्लियरेंस क्यों नहीं दिया है, तो उनका कहना है कि इनके प्लॉट के ऊपर बहुत सारे ड्यूज़ हैं और ड्यूज़ छोटे मोटे नहीं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ये जब तक ड्यूज भरते नहीं तब तक उनको कन्वेंस मिलेगा नहीं। ये बात तो कन्वेंस की होगी, आप बात सिर्फ जब अगर मैं किसी फ्लैट में रहता हूँ और मुझे फ्लैट बेचना है और सामने वालों को उसके ऊपर नाम पे लेना है, उसके ऊपर चढ़ाना है उसका नाम, तब भी सिडको उसको थम लगाती है, नहीं करना है आपको जब तक हमारे ड्यूज नहीं होता। तो ये जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे ने लिया है ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके कारण हजारों सोसाइटियों को, हजारों सोसाइटी के पदाधिकारियों को एक दिलासा हुआ, बिकॉज हर एक सोसाइटी का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट के अंतर्गत हर एक पदाधिकारी को, मैनेजमेंट कमेटी को उनका उत्तरदायित्व है कि जैसे सोसाइटी फॉर्म करते हैं 6 महीने के अंदर कन्वेंस डीड होना चाहिए, लेकिन कन्वेंस डीड सालों से प्रलंबित है। अब ये इसको एक अच्छी दिशा मिलेगी और हम लोग शिवसेना पनवेल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को अपील करते हैं कि हमारे जो शहर प्रमुख हैं विविध शहरों के नोड के, जैसे खारगर हो, कलमबोली हो, इन शहर प्रमुख को संपर्क करें आप उनको कुछ दिक्कतें आती हो, या शिवसेना पनवेल की तरफ से हम लोग ने नागरिकों के लिए या पदाधिकारियों के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है जिसके बारे में ये मावेजा हो तो हम उसको और उनको हेल्प करेंगे। वो हेल्पलाइन का जो नंबर है मैं आपको देना चाहता हूँ, उसका नंबर है 8355883794। मैं रिपीट करता हूँ, 8355883794। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आप व्हाट्सएप पे आपका आपकी क्वेरी डालिए। हम अभी तक जीआर पूरा डिटेल में आया नहीं है, हमारे पास उसका नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन के मुताबिक हमने उसकी जांच की। अब जब डिटेल में आएगा तो हर एक जो नोड है उसकी उसका जो रेडी रिकनर आता है उसके मुताबिक मावेजा के रेट्स डिक्लेयर हो गए, ALP जिसको बोलते हैं वो डिक्लेयर हो गए। तो उस तरह से हम आपको सबको जो नागरिक होंगे उनको जानकारी देते रहेंगे। इसमें सभी को, जैसे आपने बोलते हैं ये सरकार ने, शेतकरी हो, किसान हो या नागरिक हो, मुंबई में स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम शुरू की है, जो स्टैम्प ड्यूटी भरने का जो अतिरिक्त भार था वो कम किया है। इसी तरह से नवी मुंबई में जहाँ पे सिडको है ये हमारा मावेजा कम करके या उसको राहत देके सभी नागरिकों को बहुत बहुत सुविधा है। मैं तहे दिल से श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और शिवसेना पनवेल की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो मामला है कई दिनों से पेंडिंग था, उसके अंदर मावेजा का ही नहीं है तो मालमत्ता खरीदी का मामला पेंडिंग पड़ा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा राज्य में कि लोग बोले जाते हैं कि सर्वसामान्य लोगों का मुख्यमंत्री करके माननीय हमारे नेते एकनाथ जी शिंदे साहब इनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जन सामान्य के जो तकलीफें हैं वो दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। उसके बारे में ही एक सवाल है, अभी इसके अंदर मावेजा का है या पनवेल महानगर पालिका मालमत्ता कर का है, ऐसे बहुत सारे सवाल है कि लोगों के प्रति उसका उद्रेक है। और इसी मामले में हमारे यहाँ के मावल के MP माननीय श्रीगंपा बारने साहब और यहाँ के MLA प्रशांत जी ठाकुर साहब, इन दोनों के मार्फत से और हमारे सारे पदाधिकारी, हमने
बहुत बार मीटिंग की है सीएम साहब के, ये लोगों के इसका मामला है तो इसको अपन को सुलझाना चाहिए। तो उसके बारे में अभी पहला मैसेज हमको कल ट्विटर के माध्यम से मिला है और उसका स्वागत करने के लिए हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। हम ये स्वागत आज सीएम साहब का आदाय कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे मेन जो सवाल है पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वो मालमत्ता कर के बारे में आगे के रणनीति में ये भी हम सारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर है ये सारे मिलके वो भी हम जो मालमत्ता कर का सवाल है पेंडिंग पड़ा है उसका ही ऐसी तरफ से लोगों को न्याय देने की भूमिका आगे की कार्यकाल में करने वाले। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।